डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलकेजी, आज हम लोग अपने मैथ बुक्स प्री प्राइमर की चैप्टर 10 मोर देन एंड लेस देन के बारे में अध्ययन करेंगे। मोर देन मीन्स अधिक होना और लेस देन मीन्स कम होना। मोर देन का क्या अर्थ होते हैं? अधिक, और लेस देन मीन्स कम। तो यहाँ पर हम कंपेयर करने के क्रम में इन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लावर्स, एंड हेयर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज। वी से दैट 7 फ्लावर्स आर मोर देन 5 वैल्यूज। 7 फ्लावर जो है 4 वैल्यू से अधिक है। ठीक इसके उल्टे हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 5 बैलून्स आर लेस देन 7 फ्लावर्स। 5 बैलून्स आर लेस देन 7 फ्लावर्स, यानी 5 बैलून्स जो है 7 फ्लावर्स से कम है। नाउ हेयर 1, 2, 3, 4, 5 5 बॉल्स, एंड हेयर 1, 2, 3 पीसेज। वी से दैट 5 बैलून्स आर लेस देन 3 पीसेज। और ठीक इसके रिवर्स हम क्या कर सकते हैं कि 3 पीसेज आर लेस देन 5 बॉस। 3 मछलियां यानी 3 पीसेज 5 बॉस से कम, और 5 बॉस 3 पीसेज से ज्यादा है, अधिक है। तो इस तरह से हम इसे समझते हैं। हेयर नाउ इन बुक देयर आर 7 फ्लावर्स, हेयर 4 बैलून्स। वी से दैट 7 फ्लावर्स आर मोर देन 4 बैलून्स, और 4 बैलून्स आर लेस देन 7 फ्लावर्स। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक्सरसाइज है जिसमें टिक करना है मोर देन को। मोर देन यानी अधिक जहाँ पर है उसे टिक करना है। वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैप्स, हेयर 1, 2, 3, 4 4 कैप्स। 6 कैप्स आर मोर, देयरफॉर वी टिक हेयर। नाउ हेयर इज टिक अगेंस्ट लेस देन। लेस देन को पुट द क्रॉस मार्क अगेंस्ट द लेस ऑब्जेक्ट। लेस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है क्या? 1, 2, 3, 4, 5 हेयर 5 बॉस, हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बॉस। 5 बॉस आर लेस, सो वी टिक देयर क्रॉस मार्क। तो इस तरह से आपको यह चैप्टर 10 जो है इसको स्टडी करना है और इसे फिल करना है। थैंक्स।